कितने गाने अब तक गा चुकी हो आप? अब तक मैंने 200-250 गाने गा चुकी हूँ, जिसमें कि रिलीजिंग मेरे कुछ 80 गाने हो चुके हैं। उसमें से बहुत सारे गाने आप लोग ऐसे भी सुने होंगे जो कि मेरा बहुत बड़ा हिट है, जैसे कि नागिन फिल्म का हम तो ढूढ़ी मुल्ले रहनी, फिर ए बलमा बिहार वाला फिल्म से लालटेन वाला गाना मेरा ही था, अभी हीरो गमछा वाला फिल्म से था लईके में नकिया छेदावनी। ये सब गाने मेरे ज़िंदगी के बहुत बड़े गाने हैं मेरे लिए। ये आप लोगों का आशीर्वाद है और सभी को मेरे तरफ से ममता राउत की ओर से बहुत बहुत प्रणाम बा और बहुत बहुत शुभकामना बा। तो आप किसे अपना आदर्श मानते हुए आए हैं आप तक? मैं आज तक अपना आदर्श मानते आई हूँ आशा जी को, और भोजपुरी में मैंने बहुत फॉलो किया है कल्पना दी को और शारदा सिन्हा मैम को। ये मेरी आदर्श रही हैं और मैं इनको सुनती हूँ। तो आज इस फिल्म के मुहूर्त में आप आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? उदित जी भी हैं। हाँ, सबसे पहले तो सन्नाटा फिल्म जैसा नाम है, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा काम भी मुझे दिख रहा है। इस फिल्म में जितने भी गाने अब तक रिकॉर्ड हुए हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे धुन हैं, बहुत प्यारे धुन हैं। आशा करती हूँ सारी ऑडियंस को पसंद आएगा। और ये जो फिल्म प्रोडक्शन है अमरपाली फिल्म प्रोडक्शन, इसके जितने भी क्रू मेंबर हैं, जितने भी सब लोगों को, जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, सभी को मेरे तरफ से बहुत प्यार है और बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका भी एक गाना है बोल बम का, हाँ हाँ, मेरा अभी एक गाना आया है। जैसा टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया है और उस एल्बम का नाम है भोला भोला ऑनलाइन बड़े। ये गाना बहुत पसंद किया जा रहा है, इसके व्यूवर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं नेट पे मुझे, और ये गाना कुछ ऐसा है। बोल बम गूंज रहल बा, बोल बम गूंज रहल बा धरती और गगनवा में, कि भोला ऑनलाइन बाड़े अब के सवनवा में, कि भोला ऑनलाइन बाड़े अब के सवनवा में, बोल बम गूंज रहल बा, बोल बम गूंज रहल बा धरती और गगनवा में, कि भोला ऑनलाइन बाड़े अब की सवनवा में, कि भोला ऑनलाइन बाड़े अब की सवनवा में। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को मेरी तरफ से ये मैसेज मेरा जा रहा है, नारी का सम्मान हो, पुरुषों का भी सम्मान हो, पूरे जगत का जितने भी कलाकार हैं सभी का सम्मान हो, और गौ माता से प्यार कीजिए, पेड़ पौधों से प्यार कीजिए, और सभी सभी जीवों के हित में हम ऐसा कार्य करें। हम खुद भी अच्छे से प्रेम से जिएं और दूसरों को भी खुशी से जीने दें। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। आज ए बी साउंड स्टूडियो में आज भोजपुरी फिल्म सन्नाटा फिल्म का रिकॉर्डिंग हो रहा है मुहूर्त से, और आज पूरे भीड़ लगी हुई है। यहाँ एक से एक लोग बैठे हुए हैं, एक से एक चहेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरोइंस, मतलब सब लोग बैठे हुए हैं और मज़ा आ रहा है। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं सन्नाटा फिल्म के, वो हैं हमारे कुमार विमल जी हैं, राइटर डायरेक्टर कुमार मुकल जी। आप एडिट कर लोगे ना? ऐसे कई लोग एज इट इज डाल देते हैं, देखना भाई यार। अच्छा, सन्नाटा फिल्म भोजपुरी के जो डायरेक्टर राइटर हैं कुमार विकल जी हैं, इसके प्रोड्यूसर हैं हमारे बी.एन. पंडित और शिवरत्न भगत। एक मिनट जरा है। मैं हूं उदित नारायण। आज ए बी साउंड स्टूडियो में आज भोजपुरी फिल्म सन्नाटा फिल्म का मुहूर्त हो रहा है और अमरपाली प्रोडक्शन प्रेजेंट्स द्वारा प्रस्तुत सन्नाटा भोजपुरी फिल्म, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं कुमार विकल जी, इसके जो प्रोड्यूसर हैं हमारे पंडित जी हैं और बी.एन. पंडित और शिवरतन भगत जी हैं। गीतकार हैं हमारे प्यारे लाल जी और कुमार लाल जी, संगीतकार हैं अमन श्लोक जी, और बड़े धूमधाम से यहाँ सन्नाटा फिल्म भोजपुरी का मुहूर्त किया जा रहा है और गाने से, रिकॉर्डिंग से ही शुरुआत होगी। मैं दुआ करता हूँ कि फिल्म सन्नाटा म्यूज़िकल सुपर डुपर हिट फिल्म हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। मतलब हम इतना कहब कि भोजपुरी फिल्म सन्नाटा के जो आज रिकॉर्डिंग बा ए बी साउंड में, बहुत बढ़िया गाना से हो रहा बा। गीतकार प्यारे लाल जी हूँ और संगीतकार हमरे अमन श्लोक जी रहलन, और अमरपाली प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत रही फिल्म। और हमार शुभकामना है कि ये फिल्म सन्नाटा म्यूज़िकल सुपर डुपर हिट हुई और आप सबों के शुभकामना चाहिए जी। जाने चाहे फिल्म में कितना गाना रखो जा रहा है? अब देखिए, दो ही गाना तो हैं। अब आगे अगर अमन श्लोक जी चाहत और भी गाना हुई, लेकिन एखन जे गाना आज के हैं हम गाना सुननी, और गाना लाजवाब गाना बा। काहे कि कौन देवता के हौतु कारीगरी है, कौन देवता के हौतु कारीगरी, मतलब एमें औरत के वर्णन कैलक, मतलब श्रृंगार बा। कौन देवता के हौतु कारीगरी लागे उतरल धरतिया पे कौनो परे, बाटे घुंघटा में चंदा निहारे दा, जिंदगी बहिया में अपना गुजारे दा। बहुत लाजवाब राइटिंग बा, साथे बहुत लाजवाब धुन है ये गाना के, और नाम भी सन्नाटा है। हमरा एक चीज़ और याद हो गई कि 1981 में या 82 में, यानी कि 1981-82 में एक हिंदी फिल्म सन्नाटा फिल्म बनल रहे, जिसमें राजेश रोशन साहब के म्यूजिक रहल और हमरा से दो गाना उसमें रिकॉर्डिंग भइल रहे, जिसमें अलका याग्निक के साथ दुईगो गाना भइल रहे। गाना बड़ा हिट रहल, सुन जाने जा और सुपरमैन कह के गाना भइल। फिल्म ठीक ठाक गई, लेकिन म्यूज़िक बहुत बढ़िया रहे। लेकिन आज इतना बरस के बाद फिर से सन्नाटा, इतना बरस के बाद फिर से एगो सन्नाटा पिक्चर के निर्माण हो रहा बा। जे फिल्म वो फिल्म हिंदी रहे, ये फिल्म भोजपुरी में है, कोनो फर्क तो नहीं के। आज भोजपुरी फिल्म के तो ज़बरदस्त डिमांड बा। आज तो हमरा तो भोजपुरी फिल्म में गावे में और आनंद आवता, और जे तरह के गाना हैं और जे तरह के में संगीत हैं और जे तरह के एक टीम वर्क हैं, ऐसे लागत है कि ये फिल्म जोरदार सफलता की ओर जाए। जी, जैसे कि कहने की वो फिल्म में दो गाना गौले रहनी, इसमें भी दो गाना गावत हैं। और मैं अलका याग्निक जी गौले रहनी बनकर स्टूडियो में हो रहा। हाँ, यो बात सही है कि वो टाइम में अलका याग्निक जी के स्टूडियो ना रहल। आज अलका याग्निक जी गायक के साथ साथ उनकर स्टूडियो में आज ही गाना रिकॉर्डिंग हो रहा बा, तो इहो एक खुशी के बात बा। दर्शक लोग से का कहल चाह? बस दर्शक लोग से हम आग्रह करब, विनती करब कि भोजपुरी फिल्म सन्नाटा ज़रूर आप सब देखें और देख के ये फिल्म के हिट करी। बस यही आग्रह बा आप सबसे। अपन एक गो मनपसंद दो लाइन गाना देखिए का है जी। फिल्म के मुहूर्त है ना, वही मुहूर्त जाजे आए ना तो दो लाइन साथे में गानी है। ताके हऊ कारीगरी लागे उतरल धरतिया पे कौनो परी, कौन देवता के हऊ तू कारीगरी लागे उतरल धरतिया पे कौनो परी, बाटे घुंघटा में चंदा निहारे दा, बाटे घुंघटा में चंदा निहारे दा, जिंदगी जिंदगी बहिया में अपना गुजारे दा, जिंदगी जिंदगी बहिया में अपना ना गुजारे दा। बिना म्यूजिक के भाई अब हो गई। आप तमाम मीडिया कर्मी जो इस इवेंट को कवरेज करने आए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और स्वागत करता हूँ बहुत ज़ोरदार तरीके से। आज सावन का बहुत पवित्र दिन है, सोमवार, और आप इसे शिवरात्रि का महायोग कह सकते हैं। बहुत ही बड़ा पुण्य दिन है और बहुत ही 12 मास में ये सबसे पावन दिन है। और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का दिन है कि उदित जी का मुझे साथ मिला है फिर से, और सन्नाटा फिल्म का आज ये बड़े ज़ोरदार तरीके से शुभ मुहूर्त हुआ है। और सबसे हम भोजपुरी भाइयों के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए सौभाग्य की बात है कि उदित नारायण जी को इस देश ने और सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। जो पद्म भूषण से सम्मानित किया उदित जी को। ये सिर्फ उदित जी का ही सम्मान नहीं है, बल्कि पूरे देश का सम्मान है और हमारे भोजपुरी भाइयों के लिए बहुत गर्व की बात है। और सीना चौड़ा हो जाता है सुन के कि एक अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ एक आदमी जो बहुत ज़मीन से जुड़कर और इतने बड़े मुकाम पे आज हैं, फिर भी इनके अंदर वही दरिया दिली और वही इनोसेंसी है कहीं। और हम लोग संगीतकारों का हमेशा सम्मान बढ़ाते हैं, तो मैं और दुआ करता हूँ भोलेनाथ जी से सावन में कि इनको और भी कोई राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाए और भी इनके गायकी में और इनको सम्मान मिले। शब्द मेरे पास नहीं है इनको शुक्रिया अदा करने के लिए। नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने ये सोचा, बड़ी बात है कि ये जो सम्मान है ये उत्तर भारत के लिए, पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। देश के लिए तो है ही जी। और सेवा कर रहे हैं, 35-36 साल से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी ये सेवा बरकरार रहेगा और भी मेहनत करेंगे। और आप जैसे संगीतकार का गाना हमें मिलता रहे और हम गाते रहें और तरक्की करते रहें और एक से एक अवार्ड हमें मिलते रहें, साथ में हम सबको मिलते रहें। जी जी जी, जी। 9 गीत हैं और सब डिफरेंट टाइप के हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है चैलेंजिंग कुछ काम करने में। नॉर्मली तो वही ठाकुर और ज़मींदार के बीच की कहानी होती है, सब जितनी फिल्में हमने की तो फ़ोन पे जनरली सिचुएशन सब मिल जाता है। मगर डायरेक्टर कुमार विकल जी बहुत पुराने और बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं और उनके साथ बड़ा काम करने में मज़ा आया। और निश्चित रूप से सिचुएशन बहुत डिफरेंट टाइप का है, बहुत अलग हटके है। और हर लोग ये कहते हैं कि डिफरेंट टाइप का अलग हटके है, लेकिन अलग हटके कुछ होता नहीं है। मगर मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है और बहुत मज़ा आया इस काम को करने में, कंपोज करने में। और लगभग 1.5-2 महीने से हम लोग इस संगीत पे बैठे थे। और निश्चित रूप से सन्नाटा का संगीत, जैसा उदित जी ने बताया कि सन्नाटा का फिल्म का राजेश रोशन जी का जो था वो बहुत हिट हुआ है, तो मुझे भी उम्मीद है कि ये फिल्म भी बहुत हिट होगी। और सबको शुभकामना, बहुत बहुत आप लोग आए, मेरा सम्मान बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। हाँ सर, का कहचाव सन्नाटा फिल्म का मुहूर्त हो रहा है। सबसे पहले हम अपने दर्शकन का हाथ जोड़ के प्रणाम करता हैं जी। हमार फिल्म देखेला वह हमार माई बाप है। आज सन्नाटा पिक्चर का मुहूर्त बा। एक राइटर डायरेक्टर हैं कुमार विकल जी और प्रोड्यूसर्स हैं पंडित जी और शिवरत्न भगत जी। मेरी ऊपर वाले से दुआ है। और अभी अभी मुझे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आज बहुत अच्छा दिन है, स्पेशली हिंदुओं के लिए। आज श्रावण महीने का सोमवार है, दूसरा सोमवार, तो एक अच्छे दिन मुहूर्त हो रहा है। हम सब तहे दिल से ये चाहेंगे कि पिक्चर कामयाब हो और अच्छी तरह से बने। हमारे जितने आर्टिस्ट हैं सब अच्छा काम करें और एक कामयाब फिल्म बने सन्नाटा, ऐसा मेरा ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है। उदित जी की आवाज़ में गाना रिकॉर्ड होकर आज शुभ मुहूर्त हो रहा है, क्या कहना चाहिए? उदित जी और हम और एक नाम और है इसमें, समीर। करीब 35-36 साल 37 साल से हम लोग साथ में हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं। टाइम था जब हम लोग रोज़ अक्सर आनंद मिलिंद के घर पे मिला करते थे। आज उदित जी को भगवान ने इतनी बड़ी ऊंचाई दी है, इतनी बड़ी ऊंचाई दी है कि हम लोगों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। आज हमारा भोजपुरी समाज उदित जी का सम्मान इस नज़र से नहीं करता कि उदित जी बहुत अच्छे गायक हैं। उदित जी को हम क्या, आज हिंदुस्तान पूरा सम्मान कर रहा है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है जिन्हें, जिनको देश पद्म भूषण दे रहा है, तो हम तो, हमारे सबके लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और उदित जी उसके काबिल हैं। आज 30 साल 35 साल से कंटिन्यू गा रहे हैं, लगातार गा रहे हैं और एक के बाद एक सुपर डुपर हिट गाने गाए हैं, जैसा कि कहने की बात नहीं, सब सुने हैं। और अगर दिन भर में 100 गाने बजते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से 60 गाने तो खाली उदित जी के होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और स्पेशली भोजपुरी के लोगों के लिए ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुमार विकल जी हैं, क्या कहना चाहिए? कुमार विकल जी के साथ मैं, कुमार जी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। और जब ये पत्रकार हुआ करते थे, शुरू में इन्होंने अपना करियर एज ए पत्रकार शुरू किया था, तब से हमारी दोस्ती है। और इनकी 3-4 फिल्मों में मैंने काम किया। इससे पहले इन्होंने पवन सिंह को लेकर बहुत कामयाब फिल्म बनाई थी और अच्छी चली वो फिल्म। उसके बाद भी बीच में एक और फिल्म बनाई इन्होंने। अभी जो फिल्म ये बना रहे हैं सन्नाटा, सन्नाटा के नाम से आप लोगों को पता होना चाहिए, कहने की ज़रूरत नहीं कि सन्नाटा क्या होगा। एक हॉरर टाइप की फिल्म है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हॉरर फिल्मों में म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है और थ्रिल होता है, एक डरावना सा हिसाब किताब बना रहता है। तो मुझे लगता है कि फिल्म पिछली सन्नाटा की तरह ये भी फिल्म कामयाब होगी। ओके सर, थैंक यू। नेहा जी, बात करें आज आपकी फिल्म सन्नाटा का और तो जिसमें आप मेन लीड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम। मैं नेहा श्री और सन्नाटा फिल्म हॉरर फिल्म है। मैं फ़र्स्ट टाइम हॉरर फिल्म में काम कर रही हूँ। हमेशा से मैंने पारिवारिक फिल्म में काम किया है। और विकल जी बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं। इनके साथ एक बार पहले भी मैं फिल्म लाइनअप हुई थी, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाई, लेकिन दोबारा मौका मिला है हमें काम करने का और बहुत अच्छा है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब मेरे सीनियर्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर के आज उदित जी की आवाज़ में गाना रिकॉर्ड होकर मुहूर्त किया? ये मेरा गुड लक है कि मैं आज अलका जी के स्टूडियो में हूँ और उदित जी मेरी फिल्म के लिए सॉन्ग गा रहे हैं। और इससे पहले भी सर ने मेरी फिल्म सजना मंगिया के लिए बहुत प्यारे गाने गाए थे, जो मार्केट में काफ़ी अच्छे चले हैं। सबका प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। और फिल्म के जो हीरो हैं उन्होंने अपनी पहली फिल्म उनकी लॉन्च किए जा रहे हैं, आप उनके हीरो ने क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगी कि अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग। अच्छा है, अच्छे से मेहनत करें और अच्छे गुड लुकिंग लड़के हैं और भोजपुरी में अच्छे हीरो एंटर हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि अच्छा लगता है कुछ हटके काम करने में। कैसे केमिस्ट्री रहने वाले लक्ष्य कुमार जी जो हीरो हैं? अच्छा नहीं अच्छे, उनकी आंखें काफ़ी अच्छी, बिल्ली आंखें अच्छा अच्छी केमिस्ट्री रहेगी और हॉरर है तो फिर अच्छा ही होगा, कुछ नया करने को मिलेगा। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, कुछ नया करूंगी वाली। आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी? मेरी अभी दिलवाले रिलीज़ हो रही है और नेक्स्ट फिल्म मेरी दोस्ताना शूट पे जा रही है। थैंक यू। लक्ष्य कुमार जी से हूँ। और आपकी पहली फिल्म है तो क्या कहना चाहेंगे? जी ये मेरी पहली फिल्म है और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा विकल साहब के बारे में, बड़े ही वर्सेटाइल डायरेक्टर हैं। इनके बारे में मैंने बहुत सुना, इनसे मिलने का सौभाग्य मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे मुझे। और उदित जी रिनोन्ड सिंगर, वन ऑफ द रिनोन्ड सिंगर इन आवर फिल्म इंडस्ट्री, और जैसा कि पद्म भूषण उन्हें अभी मिला है और वो हमारी फिल्म में गाना गा रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और इसके अलावा जितने भी हमारे सह कलाकार हैं बहुत ही अच्छे हैं, और जैसा कि अभी हमारी जो हीरोइन हैं उन्हें इतना कुछ कहा, बिल्ली आंखें और ये सब, ये एक अचीवमेंट की बात है कि इतनी सीनियर एक्ट्रेस हो गए उन्होंने जो है हमारे बारे में ऐसा कहा, बड़ी खुशी की बात है ये जी। और क्या कहना चाहेंगे कि फिल्म को लेकर के कैसे आप तैयारियां की हैं आपने? जी कोशिश है कि डायरेक्टर सेक्टर एक वर्ड होता है वो बनने की मैं कोशिश करूँगा, जैसा हमारे डायरेक्टर साहब कहेंगे कोशिश करेंगे कि बिल्कुल उसी फ्रेम में हम उसी तरह का काम दे सकें और पूरी तरह से मेहनत करेंगे। जो हो नहीं सकता उसे भी करने की कोशिश करेंगे, जो इम्पॉसिबल है उसे भी करने की कोशिश करेंगे हम। ये दिल्ली के बहुत बड़े रामलीला कमेटी के राम बनते हैं। हाँ सर, जैसे कि पता चला है कि आप दिल्ली में जो बहुत बड़ा रामलीला होता है उसमें आप राम की भूमिका निभाते हैं जी, तो पर्दे पे, ये रूपाले पर्दे पर जो रामलीला के राम है वो कैसे नज़र आने वाले हैं? जी देखिए स्टेज और फिल्म जो है डिफरेंट मैटर करते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह की बात यहाँ पर जिस तरह फ्रेम में रहना पड़ता है, जो जो बातें टेक्निकलिटीज़ में होती हैं उसकी कोशिश की जाएगी पूरी तरह से। और जैसा ये हमारे डायरेक्टर साहब ने जो भी हमें गाइड किया अभी तक, पूरी कोशिश होगी कि उसमें बढ़िया से बढ़िया काम करके दें। रामलीला के राम नज़र आएंगे इसमें? देखिए वो तो रोल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का रोल हमें दिया जा रहा है। भगवान राम का रोल मर्यादा के अंदर रहता है और मर्यादित होकर बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। फिल्म लाइन में जो रोल होगा जिस तरह का आएगा कोशिश की जाएगी वैसे ही करने की जी। सुना कि इसमें जो आपके रामलीला में रावण बनते हैं उसमें भी इसमें खलनायक बन रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है और बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि राम और रावण जो हैं एक साथ ही इस फिल्म में हीरो और विलन की भूमिका निभा रहे हैं। ये एक अपवाद कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात है जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम करण सिंह है और मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ और दिल्ली में रहता हूँ मैं। और कुमार साहब की फ़िल्म में मैं विलन का करैक्टर कर रहा हूँ, कोई अघोरी टाइप से करैक्टर है ये जो मुझे कुमार साहब ने दिया है। मैं कोशिश करूँगा इसे निभाने की, इसके लिए मुझे आपकी, पब्लिक की, आप सबका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। आप पसंद करें इस रोल को और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे निभाने की कि अघोरी का रोल मैं अच्छे से अच्छा प्ले कर सकूं। जी जैसे कि सुना है कि आपके दिल्ली की रामलीला में आप रावण बनते हैं, इसमें क्या करने वाले हैं सर? कुछ रावण की छवि दिखेगी रामलीला की? रावण तो नहीं दिखेगा लेकिन एक तांत्रिक आपको ज़रूर दिखेगा इसमें, अघोरी टाइप से, जैसा कि कुमार साहब ने मुझे रोल के लिए प्ले करने के लिए चूज़ किया है। रावण तो नहीं दिखेगा लेकिन अच्छा तांत्रिक आपको ज़रूर दिखेगा इसमें। और जो आप रामलीला में करते हैं वो दो लाइन कुछ हो जाए। हाँ, रामलीला में मैं पीतमपुरा, बहुत बड़ा स्टेज है हमारे बॉम्बे इंडस्ट्री के, काफ़ी बड़े बड़े कलाकार वहाँ गए हैं, पीयू ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली की रामलीला है। दो लाइन आपको सुनाता हूँ मैं, लाफ्टर छोटा सा मैं देता हूँ आपको। एक डायलॉग है, यववरु अग्निवरु पाल भी महीपाल भी, सब सर झुकाते हैं यहाँ अग्निवरु और काल भी, मही डोले गगन कापे, कदम मेरे जमाने से, हिले जाते हैं पर्वत भी जरा सा लव हिलाने से, दहल जाते हैं दानव देव, मेरी आंखें दिखाने से हुआ है काल विभ्रमित। वह है काल विभ्रमित अब मेरे लंका में आने से। थैंक यू, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आप सभी लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप सारे मीडिया वालों को, जो आप लोग ने मुझे यहां पे इस लायक समझा। और मैं बहुत तहे दिल से विकल जी का शुक्रगुजार हूं जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया है और मुझे अपनी फिल्म में चांस दिया है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। शायद मैं यहाँ पे कभी नहीं पहुंचता और यहाँ पे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि कुमार विकल जी, गोस्वामी सर जी, शायद मैं सपने में भी, मैं सिर्फ आज तक टीवी पे ही देखता आया हूँ और मेरे अंदर क्या हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। एक गुदगुदी सी हो रही है कि मैं भी आज, यानी जो भी है आज मैं विकल जी की ही वजह से हूँ और मैं इस फिल्म में एक इंस्पेक्टर का रोल अदा कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना 100% दूँ और अपने रोल को प्रूव करके दिखाऊँ। बात हो रही थी यहाँ रामलीला की, तो रामलीला में भी आप? जी नहीं, मैं किसी रामलीला से कोई नहीं। मैंने एक 2010 में एक फिल्म की थी जय थावे माई, शायद उसी माँ की कृपा है कि उन्होंने, मैंने छोड़ दिया था, मैंने नहीं सोचा था क्योंकि वो फिल्म चली नहीं, तो मैंने सोचा कि शायद ये लाइन मेरे लिए फिर नहीं बनी है, लेकिन वो माँ चाहती है कि मैं फिर इस लाइन में आऊँ और फिर से उन्होंने मुझे यहाँ विकल जी से मिलाया और देखिए आज आप लोग के सामने मैं खड़ा हूँ। माँ की ब्लेसिंग आपके साथ है, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बात करें सन्नाटा का, आज मुहूर्त हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी सन्नाटे में हूँ। मैं भी सन्नाटे में हूँ। यहाँ कुमार विकल जी की फिल्म है और इन्होंने मुझे सन्नाटे से बाहर निकाला था एक बार। एक फिल्म रखिया लाजा चरवाके में पहली बार मुझे ब्रेक दिया था। मैं पहली बार जो कैमरा फेस किया था वो कुमार विकल जी की फिल्म थी रखिया लाजा चरवाके। आज मैं सन्नाटे से बाहर आया हूँ। वैसे तो हर कदम पर मुझे लोग ब्रेक देते हैं। अभी 4 दिन पहले हम किरण कांत वर्मा जी के यहाँ बैठे थे और वहाँ पर बात चल रही थी, किरण जी के मुंह से निकल गया, कह मैंने ब्रेक दिया ना तेरे को, मैंने ब्रेक दिया ना। मैं बोला हाँ। इसी में एक रामू करके कैमरा मैन है जो पहले लाइटमैन था, वो गुस्सा हो गया क्योंकि वहाँ पर 100-200 लोग थे। मैं 10-20 लोगों तक नहीं पहुँच पाया हाथ मिलाने के लिए, सबको हाथ जोड़ लिया। उसको ये हो गया कि अरे मेरे से हाथ नहीं मिलाया, ए टकलू झूठ बोल रहा है तू, विकल जी की फिल्म नहीं थी, तुलसी मैया था। मैं बोला नहीं, सॉरी किरण जी की फिल्म नहीं। मैं बोला नहीं, उसके भी पहले एक फिल्म थी जो रखिया लाजा चढ़वा के। तो विकल जी के लिए तो मैं आज भी बच्चा हूँ, आज भी मुझे ब्रेक दे रहे हैं। मेरी ये पहली फिल्म है, मतलब मेरे लिए ये पहली फिल्म है, दूसरी फिल्म है। तो सन्नाटे से आज ही बाहर आऊँगा, एक सन्नाटा और तोड़ूंगा। सर आपने हेयर स्टाइल चेंज कर दिया है, क्या इसका भी सन्नाटे का राज क्या है? अभी हम गाड़ी में यही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। हमारे एक परम मित्र आदरणीय अमन श्लोक जी के टाइम में तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन ये दूसरों के टाइम डिस्टर्ब जरूर करते हैं। देखिए म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी। हमारे एक आदरणीय, इधर कैमरा घुमाइए प्लीज़, ये हैं हमारे रवि राणा साहब और पूजनीय बड़े भैया हैं, इनसे अभी जस्ट मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले इसी सब्जेक्ट पर। इन्होंने कहा कि अरे टोपी वोपी तो लगा लेना चाहिए ना, हैट लगा लेते कम से कम, सफ़ेद बाल छुप जाता। मैं बोला अरे भैया चलता है, क्या होगा, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। तो भैया ने मुझे बड़ा ही एक आदर वाला सब्जेक्ट दिया कि हाँ एक रजनीकांत जी हैं जो लुंगी पहने रहते हैं, टकले में भी रहते हैं, कैसे भी बाहर निकल जाते हैं। दूसरा अपना के गोस्वामी है। रजनीकांत सेकंड आप, बाकी बाहर आ नहीं सकता। बाकी सब लोग मेकअप करके निकलते हैं, पूरी तैयारी करके निकलते हैं और देखिए एक मैं भी हूँ सेकंड रजनीकांत। सर एक बात करें सन्नाटा में क्या किरदार है आपका? अब देखते हैं ये क्या किरदार हम निभा पाते हैं, अभी तक तो मुझे कुछ पता नहीं है। बस सन्नाटा को चीरते हुए के गोस्वामी बाहर निकलेगा, यही एक बार और विकल जी ब्रेक दे रहे हैं मुझे। ऑडियंस क्या? ऑडियंस आप लोगों ने जिस तरह मुझे हमेशा से प्यार दिया है, ऐसे ही प्यार की उम्मीद करता हूँ। जो भी फिल्म करूँ, जो भी सीरियल करूँ, आप जिस तरह से बाकी सीरियलों को अभी एक भाभी जी घर पे है किया था और आप लोगों ने बहुत सराहा है उस एपिसोड को, स्पेशली टीआरपी दुगुनी हो गई है। ये सब ऑडियंस हमारे जो चाहते हैं उन्हीं का देन है। सो लव यू ऑल ऑडियंस, और मेरे सभी चाहने वालों को बहुत बहुत प्यार, आई लव यू। शकीला जी को भी लव यू। क्या नाम है, संदीप है, और बाकी सभी लड़कियां आई लव यू ऑल। थैंक यू। कुमार विकल जी के लिए तो बोला था, उन्होंने सुना नहीं, फिर से बोल देता हूँ कि कुमार विकल जी वही हैं, आई लव यू ऑल। दूसरी बार मुझे ब्रेक देंगे, एक बार दिए थे, दूसरी बार और फिर से ब्रेक देंगे मुझे, और मैं ब्रेक पे ब्रेक तोड़ता जाऊंगा। भगवान करे ऐसे ही ब्रेकर लोग बनाते रहे, मैं तोड़ता रहूँ। थैंक यू। पहले तो ये कहना चाहूँगी कि सब कोई को हमारी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कहना ये चाहूँगी कि बहुत खुशी की बात है, सन्नाटा फिल्म का आज मुहूर्त है और अलका याग्निक जी का मतलब डबिंग थिएटर में, और उदित नारायण जी गा रहे हैं, उनसे मिलके भी बहुत खुशी हुई। और सबसे खुशी की बात यह है कि कुमार विकल साहब हमारे डायरेक्टर राइटर, उन्होंने मुझे इस फिल्म में माँ के लिए चुना है, माँ का रोल दे रहे हैं, और इसके पहले मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, तो इस नाइस मैन, और उनके साथ काम करके मज़ा आया था और मज़ा आएगा। पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहे, हीरो नए हैं, हीरोइन राजस्थान और भोजपुरी की स्टार हैं, क्या कहना चाहे? नहीं, हीरोइन के साथ तो मैं काम कर चुकी हूँ, लाडला फिल्म में वो मेरी बेटी बनी थी, और हीरो के साथ एक हीरो के साथ काम कर चुकी हूँ सचिन, और दूसरे हीरो के साथ अभी काम करना है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे होंगे, और नए कलाकारों को तो चांस देना चाहिए, और उनके साथ काम करके जो मज़ा आएगा, टाइम भी मिलेगा, अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू। और मैं चाहूँगी कि हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हमारे पूरे टीम सब अच्छे से काम करे, और सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, और पिक्चर सुपर हिट हो, यही मेरी दिली तमन्ना है। नमस्कार। और आप सबको भी, मेन तो आप लोग हैं, आप लोग नहीं है तो हम कुछ नहीं है। नेचुरली आप ही के बदौलत से हमारी पब्लिसिटी होती है, फोटो छपते हैं, तो नेचुरली आप ही लोग मेन है, मीडिया वाले तो मेन है। सब कोई को मेरा धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू। मेरा नाम सचिन यादव हुआ, और मैं, आप तो जानिए नहीं, लगभग 5-7 भोजपुरी फिल्म किया और 2 हिंदी भी किया आप लोगों के साथ में। और सबसे पहले मैं मीडिया पार्टनर को प्रणाम करता हूं, जो मुझे इस लायक समझ रहे हैं, और मैं बराबर जो भी पिक्चर करता हूं आप लोग के सामने करता हूं जो दिखता है। सन्नाटा बारे में क्या कहना चाहिए, कुमार विकल जी के साथ एक बार फिर आप काम करने जा रहे हैं? सन्नाटा पिक्चर एक ऐसी पिक्चर है जो हॉरर टाइप की है, लेकिन इसमें सस्पेंस दिया गया है कि एक लेडीज़ के ऊपर में है, जिसमें हम लोग भी उसमें काम कर रहे हैं। आपका किरदार क्या है? देखिए, इसमें 4 है, जिसमें एक मैं भी हूँ। पर्दे पे देखेंगे और उसमें पता चलेंगे कि मैं क्या कर दूँ। जैसे धरती के लाल मैंने किया, लोगों ने बहुत प्यार दिया, ताली मारा, अच्छा लगा लोगों का प्यार पाके। थैंक यू। फिल्म देख लिया हमने जी। सर, आपकी फिल्म सन्नाटा का आज आप मुहूर्त कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि आज सन्नाटा का मुहूर्त करने जा रहे हैं। यह फिल्म एक अलग हट करके है, तो हम समझते हैं कि भोजपुरी तो सभी लोग दावा करते हैं यहाँ पे कि हम अलग हट के बना रहे हैं बाकी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अलग हट करके हम कुछ कर रहे हैं, तो फील सस्पेंस भरा हुआ है। जैसे कि आपकी फिल्में तो अलग हट के होती हैं, जैसे के जी बताया आपकी पहली फिल्म, जिनको उनकी पहली जिनमें आपने ब्रेक दिया, बहुत पुरानी फिल्म थी, हाँ, तो वो भी अच्छी थी, बहुत सुपर डुपर हिट गई थी। तो है आपका एक अलग शिव है कि जो भी, तो क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितना अलग दिखने को मिलेगा? तो आप लोग बताएंगे, आप लोग निर्भर करता है कैसा है किया, हम लोग तो बनाने के निर्भर करते हैं कि बनाए बढ़िया से, और आप भोजपुरी समाज अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है और हम लोग वहाँ अंधविश्वास में इतना आगे डूब चुके हैं कि जोगी आडंबर ओझा गुनी चक्कर में रहते हैं और बहुत कुछ गंवा बैठते हैं, यहाँ तक कि इज्जत वाली गंवा देते हैं, जैसा कि आप लोग अखबार में पढ़ते हैं। तो उन्हीं का आधार मान करके हमने इसमें किया। इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है, केवल ओझा गुनी है, लेकिन पूरी फिल्म भूत प्रेतों से भरी हुई है। लेकिन लास्ट मालूम पड़ता है कि इसमें कोई भूत तो है ही नहीं है। लेकिन समाज को जी आँख खोलना चाहते हैं हम कि इसमें कोई अंधविश्वास पर भरोसा न करें आप, इसमें कोई भूत प्रेत नहीं होता। फिल्म के कलाकारों की बात करें तो इसमें फिल्म कलाकार तो इसमें कुछ नए हैं, कुछ पुराने हमारे कलाकार हैं। हमें खुशी है कि हमने दिल्ली से 2 कलाकार लिए हैं इसमें, जो राम और रावण का रोल करते थे। मुझे उनके लगा कि रोल वही कर सकते हैं, तो मैंने उनको सेट किया है इस मामले में। बाकी हमारे ऑडियंस तो भाई हम बनाना चाहते हैं, अब आप ऑडियंस के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी फिल्म पसंद करते हैं नहीं। खुशी है कि कोई फिल्में हमारी उन्हें पसंद की है और काफ़ी सम्मान दिया है। मैं चाहूँगा कि ये फिल्म ही उनको पसंद आए और काफ़ी सम्मान दें। इस फिल्म में नेहा श्री जो राजस्थान और भोजपुरी फिल्मों की स्टार हैं, क्या कहना चाहिए? अरे वो तो बहुत करीब हमारी हैं, इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं कि मैं 1 साल पहले भी उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन संजोग ऐसा बन पाया कि नहीं कर पाए। लेकिन ये संजोग 1 साल के बाद मिला है, हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छी मिलनसार हैं और अच्छी नेचर की हैं। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, पूरी टीम को क्या शुभकामना देंगे? आम्रपाली फिल्म प्रोडक्शन प्रेजेंट। पहली बात इन्होंने नाम बहुत सर का प्रोडक्शन का आम्रपाली, ये वैशाली की नगरवधू रह चुकी है, उसका नाम है। और इन्होंने जो टीम है, इनके साथ में करीब 25-30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं, हर फिल्म का अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और इसको तो स्पेशली नाम दिया सन्नाटा, बड़े सन्नाटा नहीं रहेगी, ये काफ़ी कोलाहल करेगी, लोगों के बीच चर्चा का विषय बनेगी फिल्म। मैं सफलता की कामना करता हूँ पूरी टीम के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। सिर्फ नाम के लिए सन्नाटा है, धूम मचाएगी। हमेशा नाम का उल्टा होता है। बिल्कुल, यानी सन्नाटा का मतलब शो, लेकिन भीड़ बढ़ जाती है। और सबसे अच्छी बात है सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए कर रहे हैं। समाज में जो जाति प्रथा या अलग जो कुरीतियाँ हैं, भूत प्रेत तांत्रिक, उसके ऊपर ये कर रहे हैं कि ये आज भी गाँव में लोग विश्वास करते हैं, भूत प्रेत तांत्रिक ओझा डायन सब पे। तो ये सब चीज़ को दूर करने के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जिसकी ज़रूरत है बिहार यूपी हर गांव के एरिया में ज़रूरत है इसकी। तो बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने, भगवान को सफलता दे, यही मैं चाहता हूँ। कुमार विकल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं और इन्होंने हमेशा सब नए नए कलाकारों को चांस दिया है, काफ़ी लोगों को दिया है और वो आगे बढ़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आओ और आगे बढ़े, ऐसे ही फिल्में बनाते रहें और सबको चांस देते रहें और पब्लिक बीच में एक अपनी चर्चा चलती रहे इनके, भाई बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं, नए लोगों को चांस दे, ताकि नए लोग और चांस मिले। ये मैं कुछ भी करते हैं सबसे हट के करते हैं और दिल से करते हैं हाँ। बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं। बता दें कि हम लोग बहुत पहले से हम लोग मिले जुलते थे, उस समय हुए हुआ करते थे, मेरा इन पर दिल आ गया था लेकिन कुछ लायक ही नहीं था मैं। इनके सबसे अच्छी बात निकाल क्या है कि डायरेक्टर भी अच्छा और इंसान बहुत अच्छा, दोनों चीज़ बहुत टेक्निकली बहुत कम मिलता है। दिल में जो है वो जुबान पे है और लोगों को भूलते नहीं है, पुराने मित्र को भूलते नहीं, आप बुला के रखते कि भाई आ जाओ मेरा कुछ है, मुंह में कुछ पीठ में कुछ वो नहीं है, इनका जो दिल में है वो बस वही सामने। अभी उन्होंने बता दिया, दिल की बात बता दी। मतलब उस टाइम पे जब हीरोइन मैम हुआ करते तब इजहार नहीं कर पाए थे, आज मैं कर दिया। वही बात है, माँ के रूम में लेके आए ना, कर दिया। मतलब आज सन्नाटे को तोड़ दिया हमने, दिल को जुबान पे ला भी दी ना, दिल को जुबान पे ला भी खुलवा लिया जी। जय हाँ जी भैया, फोटो ले रहा है लड़का। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और नकुल पूरी टीम को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। टीम ही नहीं, हमारे डायरेक्टर साहब कुमार विकल जी हैं, जो आज इसके पहले भी काफ़ी मूवी बना चुके हैं, तो आज ये जो सन्नाटा स्टार्ट किए हैं भाई, इसके लिए मैं बहुत सारी उनको शुभकामनाएँ देता हूँ, ढेर सारी बधाई देता हूँ पूरी टीम को। साथ में आपकी एडिटिंग कंपनी पीएनपी स्टूडियो की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहेंगे, जितना जल्दी करके आए हम उनको बहुत जल्द से जल्द पर्दे पे लाने की कोशिश करूंगा और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने किया भी, अच्छी ढंग से किया भी है। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।